28 জুলাই 1974 बच्चे तैयारी करते होंगे बड़े दिन पर कोई भाषण करने के लिए कि कहां कोई निमंत्रण आ जाए। अभी क्या बड़ा दिन आने वाला है? कोई बच्ची ने कहा रक्षाबंधन। रखड़ी बंधन, रक्षा तो स्वयं बाप करते हैं बच्चों की। बाप के सिवाय बच्चों की और तो कोई रक्षा कर नहीं सकता। सब भक्तों का भगवान आकर के रक्षा करते हैं और रक्षा की ही जाती है तब जबकि कोई बहुत ही दुख में होता है। भारत तो इस समय में बहुत ही दुखी है। दुख से रक्षा करने वाला तो है, सबका सुख देने वाला, दुख हरने वाला एक ही बाप है। तुम बच्चों को तो मालूम है कि बरोबर दुख हरता और सुख करता अभी आए करके पधारे हैं, परंतु ये सूचना सबको कैसे दी जाए? क्योंकि बच्चों को ये भी एक चिंता है अच्छी तरह से। जैसे कोई दुखी होते हैं ना, तो जो दुख से मिटाने वाला है उनको चिंता रहती है कि इनको दुख से कैसे छोड़ावे। बेहद के बाप को तो जरूर चिंता रहती है, वो अच्छी तरह से जानते हैं कि बच्चे अभी बहुत ही दुखी हैं, क्योंकि ये दुखधाम भी अभी अति दुखधाम है। तो अभी इस दुखधाम से सुखधाम बनाने वाला वो आया हुआ है। आया हुआ था बीके क्या कहेंगे है? वो तो कहेंगे आया हुआ था और आकर के उसने रास्ता बताया और हम उस रास्ते पर चल पड़े। अब दुखधाम से सुखधाम बनाने का काम हमारा है, जबकि बाप कहते हैं कि दुख से छुड़ाने वाला एक बाप के सिवाय कोई दुनिया में हो ही नहीं सकता। तो इस बात का हम कैसे ढिंढोरा पिटवावे? ये ढिंढोरा भी पिटवाया जाता है ना। अगर कोई ढिंढोरा लिख करके ढिंढोरे वाले से ढिंढोरा पिटवावे कि हमको ये सूचना देनी है कि सभी का दुख हरता सुख करता वो तो है ही एक, जिसको फिर पतित पावन भी कहा जाता है। देखो ये बाप ऐसे तुम बच्चों को युक्तियां देते हैं, उनको ठीक से अमल में ले आना ये तो बच्चों का ही काम है। ढिंढोरे पर तो बहुत मनुष्य आते हैं, ढिंढोरा जब पीटते हैं तो सारे शहर में पीटते हैं। बड़ा शहर होता है
तो पांच सात ढिंडोरी, और ढिंडोरिया कोई जास्ती नहीं लेता है, रोज का दो चार आना, दो चार रुपए लेंगे तो वो कोई जास्ती नहीं लेगा। तो अभी रक्षाबंधन पर अगर कोई ऐसे टॉपिक लिख करके ढिंडोरची को दे देवे, जो जा करके ढोल बजा करके और ये समझावे कि अभी दुख के तो पहाड़ गिरने हैं और दुखदान तो है ही, सबका दुखहर्ता और सुखकर्ता वो आया गया है, जो बैठ करके हमें ज्ञान दे रहा है, जो ज्ञान न गांधी जी और न नेहरू जी चाहते हैं कि भारत को फिर से आलमाइटी बनावे, वो तो अंग्रेजी अक्षर है आलमाइटी यानी सर्वशक्तिमान, भारत को फिर से दैवी स्वराज्य मिले, ये बाप आ गया है। और जिसको भी बाप से मिलना हो सो एड्रेस डाल देना कि उनसे जा करके मिले, या उनके सेंटर से, या ऐसी कोई युक्ति करनी है जो तुम जाते हो एक ढिंडोरा सब एक ही बार में, जितने भी गांवड़े हैं सब में पिटवा दो। बाबा फिर अच्छी तरह से लिख करके देंगे। ये तो बाबा को अभी अभी ख्याल आया है कि इनका बड़ा दिन कौन सा आता है, जो ये ब्रह्मा कुमारियां हशर मचाती हैं, इनका सर्विस का हशर है, सर्विस का हशर मचाना है ना, तो इस बड़े दिन में क्या करना चाहिए, भाषण भी तो करते हैं, और ये भी तो ठीक है, तो ऐसे तुम लोग हशर मचा सकते हो, उस दिन धूमधाम मचा देवे कि सिवाय पवित्रता के कंगन बांधने, काम विकार पर जीत पहनने, भारत पर सदा सुख का दैवी स्वराज्य सतयुगी स्वराज्य स्थापन होना असंभव है, तो ऐसे तुम लोग हशर मचा सकते हो, उनके साथ पत्रा भी बांट सकते हो। जब कोई बच्चे बैठ करके आपस में कमेटी करते हैं कि कैसे सर्विस करें, इसलिए बहुत मिलते हैं आपस में, तो ये भी एक युक्ति है। और भी दीदी ने बाबा को कहा कि बाबा दिल्ली से समाचार आया है कि मीटिंग करके कुछ युक्तियां निकाली हैं, तो फिर रात को विचार सागर मंथन भी करेंगे और सब बच्चे करें कि क्या युक्ति रचें जो सर्विस थोड़ा बेहंग रहा मार्ग में आ जावे, क्योंकि अभी तो चीटी मार्ग में सर्विस चल रही है, बेहंग मार्ग में तो नहीं चल रही है। व्यंग पक्षी को कहा जाता है, यूं है चीटी मार्ग में होना भी है, क्योंकि झाड़ है तो अपने कायदे अनुसार समय के अनुसार ही बढ़ेगा। बच्चे जानते हैं कि ड्रामा अनुसार इस समय तक झाड़ को जितना बढ़ना था, स्थापना होनी थी, वो तो ठीक हो चुकी है, और देखते हैं कि बरोबर झाड़ की वृद्धि बड़ी धीमी धीमी गति से होती है। लाभ भी ऐसा कहता है कि धीमे धीमे ही होता है, तो इसलिए बच्चों को हर वक्त यही ख्याल रखना है
जैसे देखो बाबा ने आज अखबार में पढ़ा कि साधु लोग इस काम में कैसे आ सकते हैं, क्योंकि ये तो है गवर्नमेंट की कारोबार, गवर्नमेंट की पॉलिटिकल बातों, उन बातों को साधु संत तो जानते ही नहीं है, उनको क्यों इस करप्शन में एडल्ट्रेशन में डाला गया है। तो साधुओं ने फिर रिस्पांस दिया, उनको बाबा ने दिखलाया था कि जिसने डाला है, क्योंकि वो नामी ग्रामी हो ना, चीफ मिनिस्टर उड़ीसा के थे, अभी तो वो नहीं है, तो उनसे मिलना चाहिए। ये साधु तो खुद ही करप्टिव है, अडल्ट्रेटिव है, क्योंकि इनकी तो परंपरा से करप्शन अडल्ट्रेशन आ गई है। वो लिखे हैं कि हम लोग तो दुनिया को त्याग करने वाले, सारा घर घाट को त्याग करने वाले, तो उनको बतावे तुमने त्याग कहाँ किया। अभी तो ये साधु संत इन्होंने बड़ी बड़ी जागीरें बनाई दी है। ये कहते हैं ना हमने दुनिया को त्याग किया है, अरे दुनिया को कहाँ त्याग किया, अभी तो बड़ी बड़ी जगह ले ली है, बड़े बड़े मकान ले लिए, बड़े बड़े फ्लैट्स ले लिए, बहुत धनवान बन गए। अब कोई बतावे ये धनवान कैसे बने, जरूर कुछ करप्शन या कुछ एडल्ट्रेशन की है। बाबा बैठ करके इनको समझाते थे, बरोबर हमारे शास्त्रों को बहुत एडल्ट्रेशन किया है, पहले पहले गीता को खंडन कर दिया, जिसके कारण ही भारत का नाम बदनाम हुआ है, और भारत इतना कंगाल बन गया है, इनके कारण, और फिर इनसे करप्शन तो बड़ा भारी है, इन्होंने ये पैसा कहां से इकट्ठा किया, क्योंकि जो भी मिनिस्टर होते हैं वो बोलते हैं इतना पैसा कहां से इकट्ठा किया। तो इनसे पूछा जाए, जब तुमने सब कुछ छोड़ा तो तुमने इतना पैसा इकट्ठा कैसे कर लिया, इनको तो इकट्ठा करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो त्यागी है, ये तो राजा लोग भी राज्य छोड़कर जाते हैं और उनको बेगर होकर रहना है, ये तो इतने साहूकार हैं, जरूर कुछ इनकी कमाई या ठगी की कमाई होगी, तो इनका पता लगाना चाहिए कि कैसे ठगी करते हैं। उन्होंने इनको समझाई दिया कि बाप सर्वव्यापी है, वो ज्ञान दे करके ये सारा पैसा कमाती रहती है, और इस तरह पैसा कमा करके सबका खाना खराब कर देते है। इसकी बात बताई है, साधु संत महात्माओं की बात बताई, परंतु ऐसे साधु संत महात्माएं जो सर्वव्यापी का उल्टा ज्ञान सुना करके पैसा कमाते हैं, वो दुनियावी साधुओं की ही बात है कि ब्राह्मणों की दुनिया में भी ऐसे साधु हैं जो बताते नहीं है, क्योंकि वो जानते भी नहीं है कि भगवान तो मुकर्रर रथ में आता है, तो वो उल्टा ज्ञान देते हैं कि भगवान तो सर्वव्यापी है। तो ऐसी ऐसी बातें इनको बैठ करके बाबा समझाते हैं। इन्होंने फिर लिखा है अंग्रेजी में,
तो ऐसे ऐसे किसको इकट्ठा करके फिर अखबार में डालना चाहिए, क्योंकि तुम बच्चों के दुश्मन तो ये सन्यासी बहुत हैं। क्या तुम्हारे दुश्मन कौन है? है बाबा तो कहते पांच विकार तुम्हारे दुश्मन है, फिर ये साधु सन्यासी कैसे दुश्मन हो गए? है क्योंकि उल्टा ज्ञान सुनाती है, खुद को भगवान साबित कर देते हैं। वो कहते हैं माताएं नरक का द्वार, और तुम जानते हो ये बाबा जिसकी सीमत पर अभी हम चलते हैं वो तो तुम माताओं को स्वर्ग का द्वार बनाते हैं, तो उनको ये भी दोष डाल देना चाहिए कि ये कहते हैं स्त्रियां नरक का द्वार हैं और ये उनके गुरु बन करके बैठे। तो ऐसे बहुत पॉइंट्स हैं जो बच्चों की बुद्धि में है, क्योंकि अथॉरिटी तो तुम बच्चों को मिलती है एक सर्वशक्तिवान बाप से कि जो कुछ भी डायरेक्शन देते हैं उस प्रकार तुम युद्ध के मैदान में जाओ। फिर साधु संत महात्माओं भीष्म पितामहों द्रोणाचार्यों वगैरह जैसे जैसे इनको इन बातों से कोई समय में जो जीता है, क्योंकि वो गुरु तो है ही नहीं, उनको लिख देना है ये गुरु तो डुबोने वाले हैं। ये लिखे भी कोई अच्छा फीमेल, क्योंकि तुम्हारा ही नाम बाला होना है तो तुमको मदद करनी है, क्योंकि तुम इतने आर्टिकल वगैरह लिखना जानते हो। अगर जानते हो तो लिखो, नहीं जानते हो, क्योंकि अक्सर करके यहां अनपढ़ बहुत है। 28/7/64 की वाणी का तीसरा पेज, तो फिर इनकी मदद मिलती है। तो ऐसे ऐसे ख्यालात करने से, परंतु इसमें मेहनत बहुत चाहिए, बुद्धि चाहिए, मिलाप चाहिए, बच्चों का आपस में मेल मिलाप बहुत चाहिए जो सर्विस को बढ़ा सके। यूं तो इस समय में जो सर्विस चल रही है वो कहेंगे जरूर ड्रामा अनुसार चल रहा है, फिर भी पुरुषार्थ भी तो ड्रामा अनुसार किया जाता है। शक्तियां अच्छी तरह से लेख लिख सकती है कि नारी शिव शक्ति सेना नारी सेना है, उन्होंने ये भारत को वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी राज्य दिलाया है, ऐसा राज्य स्थापन किया है, और वो जो नारी को नरक का द्वार कहते हैं वो तो और ही भारत को डुबा दिया। तो बताओ इन साधुओं ने क्या किया? भिन्न भिन्न प्रकार से पैसे कमाए, गंगा में जाकर के स्नान कराए करके पैसे बहुत लूटते रहते हैं, झूठ बोलते रहते हैं गंगा पतित पावनी है, एक तरफ गाते हैं पतित पावन सीताराम और फिर कहते हैं पतित पावनी गंगा। अब देखो कितने गंगा पर मेले लगते रहते हैं, भारतवासी कितने पैसे बर्बाद करते हैं। ऐसे ऐसे अगर बातें समझे बुद्धि में लगावे तो बहुत कुछ तुम लिख करके समय पर और चांस देख करके जब कोई कहां जावे तब तो करे ना। कमेटी तुम्हारी अच्छी चाहिए जिनमें ये सभी पॉइंट्स बुद्धि में आ जावे, और बच्चा बड़ा बुद्धिमान चाहिए, लिख कर दे सकते हैं, चले जाना चाहिए उनके पास
किसको चले जाना चाहिए? माताओं को, बाबा भी राय देंगे। देखो ये रमेश बच्चा यहाँ है तो रमेश के साथ कोई भी जा सकते हैं, उनको जाए करके मत देवे, पता है? कोई एक अच्छा निकल आवे और अहमदाबाद में भी कोई सेंटर खुल जावे, तो बहुतों का कल्याण हो सकता है। कौन से सन की वाणी है? 64 की, 64 से पहले और 64 तक गुजरात में कोई भी सेंटर नहीं खुला। ऐसे भी नहीं कि बिगर निमंत्रण हम नहीं खोल सकते, ऐसे भी कहां कहां खोल सकते हैं, कोई निमंत्रण दे या न दे हम जाकर वहां सर्विस करें, कोई बड़ी बात नहीं है। परंतु कोई एक को, दो, पांच, दस को महत्व दिया जाता है। तो ऐसे ऐसे सर्विस का ख्यालात कुछ अखबारों से, कुछ अपनी बुद्धि से करना चाहिए। सर्विस तो बच्चे बहुत कर सकते हैं और रोजगारी सर्विस भी तो बहुत होती है। ऐसे नहीं कि कोई गवर्नमेंट का मरा, गवर्नर मरा तो वहां कोई तुम्हारी सर्विस हो सकती है, नहीं। कहां कोई अच्छा आदमी, कोई दानी मरता है, बड़ा फिलैंथ्रोपिस्ट बनते हैं या बड़ा बिजनेसमैन बनते हैं तो उनके भी बहुत आदमी वहां जाते हैं, तो वहां शमशान में जाकर के चित्र भी देना, समझाना भी, सर्विस तो बहुत है। कोई भी करे, जितनी चाहे उतनी करे और बहुत करके माताओं को हिम्मत करनी चाहिए, पुरुषों के ऊपर आधार नहीं रखना चाहिए। आधार है माताओं के ऊपर, कौन सी सर्विस का? नई दुनिया स्थापन करने का। बाप भी आकर के माताओं के ऊपर कलश रखते हैं, माताओं को टाइटल दिया है स्वर्ग का द्वार खोलने वाली, तो सारा आधार माताओं पर है। जितना जो करेगा सो पाएगा। अगर पति कुछ नहीं करता है तो माताओं को अपना जो कुछ हो, क्योंकि इसमें कुछ खर्चा थोड़ा ही लगता है, तो शौक चाहिए माताओं को बहुत। इन बातों को समझ करके और महादानी बन करके महाराजा बनना है। गरीबों को देखो, कितना सहज ले आता हूं तीरी पर बहसते एकदम, चलो बच्चे चलो अपने सुखधाम, छोड़ो ममत्व इस दुखधाम से, ये सारा ममत्व मिट जावे। ये मेरा पति है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा धन है, ये सब छोड़ो। नहीं, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, बनो झटपट विश्व की मालिक। अरे ये तुम क्या कमाई करते हो पाई पैसे की? लाख कमाएगा, 2 लाख कमाएगा, 10 करोड़ कमाएगा, बहुत करके 50 करोड़ कमाएंगे, चलो अरब भी कमाएंगे। यहां तो तुमको बाप आकर के चपटी से सारे विश्व का मालिक बनाए देते हैं, और क्या चाहिए? तुमको सदा सुखी बनाते हैं। अच्छा चलो बच्ची, बाजा बजाओ।
म्यूजिक बजा, लकी ज्ञान सितारों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट, ओम शांति। ज्ञान माने जानना, क्या जानना? सत्य, सत्य का ज्ञान है। तो उसमें जो भी ज्ञान है वो इस सृष्टि को चलाने के लिए इस सृष्टि पर आता है। जैसे कुम्हार है, उसका चकला होता है, उसमें मिट्टी रख करके बर्तन बनाता है, ऐसे ही शिव बाबा कुम्हार है, वो ज्ञान का डंडा लेकर के एक बार चक्के में घुमा दिया, फिर चक्का घूमता रहता है। तो ऐसे ही शिव इस सृष्टि पर आता है और एक बार डंडा पकड़ा, कौन सा डंडा है? प्रजापिता रूपी डंडा, डंडा पकड़ा और यूं करके घुमा दिया, तो सारी करामात किसकी हुई? है, है? सारी करामात उस डंडे की हुई इस सृष्टि पर। शिव के अंदर तो ज्ञान है, वो ज्ञान आकर के उसने प्रजापिता में डाल दिया। वो ज्ञान, जानकारी, सच्चाई, वो ही सारी सृष्टि की संचालक बनती है। तो उसका संबंध किससे है? है? खास संबंध किससे है? है? अरे एक तो सृष्टि रूपी चक्कर है, चकला, दूसरा है डंडा। तो जो निराकार आता है, डंडा घुमा देता है, चक्कर चलाए देता है, चक्कर चलने लग पड़ता है, तो चक्कर चलने का जो कनेक्शन है वो डंडे से है, और डंडे का कनेक्शन उस बुद्ध रूपी हाथ से है, है ना? रुको, वो बुद्ध रूपी हाथ डंडे को अपने हाथ में लेकर के चक्कर चलाता है। तो चलाने वाला प्रैक्टिकल में कौन है? हैं? कौन है प्रैक्टिकल में? प्रैक्टिकल में जो साकार में हो, निमित्त हुआ डंडा, और उसमें शक्ति देने वाला है वो हाथ, बुद्ध रूपी हाथ। तो जो बुद्ध रूपी हाथ का कनेक्शन है वो किसके साथ है? डायरेक्ट डंडे के साथ। डंडा अगर चाहे कि मैं सृष्टि का संचालन करूं तो करेगा? नहीं करेगा। तो शिव का कनेक्शन है प्रजापिता के साथ, और ऐसा कनेक्शन है कि वो प्रजापिता शिव की पावर को याद के द्वारा अपने में समाहित करता है। और शिव का कहना है कि मैं आता हूं तो बच्चों को आप समान बनाता हूं, नंबर बार। तो जो बच्चा 100% आप समान बनता है वो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आदि से लेकर के अंत तक मौजूद रहता है। इसलिए बोला इस सृष्टि पर सदा कायम शिव बाबा है, शिव पिता नहीं, लेकिन शिव पिता का कनेक्शन एक आखिरी जन्म में किसके साथ है? प्रजापिता के साथ। तो हिसाब किताब हुआ ना? नहीं हुआ? हुआ। दुनिया में भी जितने भी भारत में राजाएं हुए, उन राजाओं ने 10 बच्चे हैं तो 10 बच्चों में से बड़े बच्चे को राजा ही दी ना। ये परंपरा कहां से चली?
है, शिव बाप से चले। शिव बाबा आते हैं तो तीन बच्चे हैं उनके बड़ल्ले, ब्रह्मा विष्णु शंकर। ब्रह्मा देव, विष्णु देव और शंकर, तो बड़ा बच्चा कौन हुआ? जो बड़ा बच्चा हुआ उस बड़े बच्चे को षष्ठी संचालन की राजाई दे दी। जितने भी द्वापर से लेकर के कलयुग के अंत तक मुख्य मुख्य पार्ट हुए हैं, क्या जो गाए जाते हैं, जिनमें कभी भी हार नहीं हुई है उनकी, वो जन्म किसके होंगे? संगम युग में क्या देखने में आएगा? शास्त्रों में भी लिखा हुआ है इस सारी सृष्टि पर एक ही आत्मा है जो कभी भी किसी भी युद्ध में हार नहीं खाती है, हर युद्ध में उसकी विजय है। और बाबा ने स्लोगन क्या दिया है? अरे कोई स्लोगन दिया है कि नहीं है? नहीं, बाबा ने स्लोगन दिया है विजय तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो एक आत्मा के ऊपर वो लागू होता है, बाकी तो नंबरवार हैं, हार भी खाती है कभी कभी और कभी कभी जीत भी होती है। हाँ जी गीता खंड है, बंदे आदि से भी कुछ टाइम निकाल याद कर सकते हो? यह भी अपने लिए धंधा है ना, छुट्टी लेकर जाए बाबा को याद करो। यह कोई झूठ नहीं बोलते है, सारा दिन ऐसे ही थोड़े ही गवाना है, इसका आपको बताना। माने ईश्वरीय धंधा भी तुम ब्राह्मणों का धंधा है या नहीं है? वो धंधा करते हैं तो उस धंधे में भी भक्ति मार्ग में भगवान को याद करते हैं या नहीं करते हैं? है? करते हैं। तो यहां भी करते हैं, लेकिन अंतर क्या है? भक्ति मार्ग में धंधे करते रहे, वहां भी याद करते रहे भगवान को, और यहाँ ज्ञान मार्ग में भी भगवान को याद करते हैं, अंतर क्या है? हैं? समझ। वहाँ प्रैक्टिकल में हमको भगवान नहीं मिला था और यहाँ प्रैक्टिकल में मिलता है, तो ज्यादा कौन याद रहेगा? निरंतर कौन याद रहेगा, भक्ति मार्ग वाला या ज्ञान मार्ग वाला? ज्ञान मार्ग वाला निरंतर याद हो सकती है। हाँ श्रीमद बाप के श्रीमत पर चलने वालों की संख्या कितनी होगी? हैं? बाप के श्रीमत पर चलने वालों की संख्या कितनी होगी? हाँ बताओ। हैं? बाबा अरे जो पूरी श्रीमत पर चलेंगे वो सजा खाएंगे? नहीं, नहीं, नहीं। सजा कौन खाएंगे? हैं? जो श्रीमत पर चलने में कुछ न कुछ अलबेलापन करेंगे वो सजा खाएंगे। आठ ही नहीं सजा खाएंगे ना बाबा, बाकी तो सही खाएंगे, बस आठ ही। अरे और ज्यादा होना चाहिए भाई, बहन का भी नंबर लगाना चाहिए। बाबा लक्ष्मी नारायण तो कृष्ण को दृष्टि से जन्म देते हैं? लक्ष्मी नारायण दृष्टि से कृष्ण को, राधा कृष्ण को जन्म देते हैं? हाँ जी। वो कैसे? कैसे माना क्या? अच्छा आज की दुनिया में आप तो माता है ना, भगवान के लिए आप नारायण के लिए ऐसा प्रश्न करते तो आपसे भी तो प्रश्न कर लेना चाहिए। आप जन्म देते हैं बच्चों को तो कैसे? अरे और कैसे देखे जवाब नहीं देंगे? अब मुंह बंद कर लिया। माना इस सृष्टि पर सृष्टि का संचालन प्रक्रिया
तब ही होती है जब इंद्रियों का मेल फीमेल का कनेक्शन होता है. अंतर ये है तीनों काल में, वर्तमान काल संगम, भविष्य काल सतयुग त्रेता और भूतकाल द्वापर कलयुग. उन तीनों में अंतर ये है कि द्वापर कलयुगी भूतकाल में भ्रष्ट इंद्रियों का कनेक्शन होता है, ऐसे जन्म होता है बच्चे का, होता है ना. और सतयुग त्रेता में श्रेष्ठ इंद्रियों का कनेक्शन होता है स्त्री पुरुष का, तब बच्चे का जन्म होता है. ऐसे समझ में आया. अच्छा, अब तीसरी बात, संगम युग में कैसे होता है जो सतयुग में राधा कृष्ण का जन्म हो जाता है. सबसे ऊंचा पत्ता है 500 करोड़ में से, कैसे जन्म होता है यही पूछा ना. तो सतयुग त्रेता में इंद्रियों से जन्म होता है, श्रेष्ठ इंद्रियों से. द्वापर कलयुग में भ्रष्ट इंद्रियों के कनेक्शन से जन्म होता है. और संगम युग में दृष्टि से भी नहीं होता है, वाइब्रेशन से जन्म होता है. क्या दृष्टि से भी ज्यादा तीखी चीज कौन सी है? वाइब्रेशन, जो लक्ष्मी नारायण के चित्र में दिखाया है. लक्ष्मी नारायण की नजर सामने है, पति पत्नी है, लेकिन नजर सामने है. और राधा कृष्ण एक दूसरे को देख रहे, राधा कृष्ण एक दूसरे को देख रहे हैं. माना सतयुग के पहले जन्म से ये परिवर्तन हो जाएगा गिरती कला का, क्योंकि इंद्रियों का सुख नीचे गिराता है, चाहे वो श्रेष्ठ इंद्रियां हो और चाहे वो भ्रष्ट इंद्रियां हो. अंतर क्या है? श्रेष्ठ इंद्रियों से धीरे धीरे पतन होता है और भ्रष्ट इंद्रियों से तेजी से पतन होता है. और संगम युग में पतन की बात ही नहीं, ये चढ़ती कला का युग है या उतरती कला का युग है? यहाँ लगातार चढ़ती कला है. जैसे जैसे वाइब्रेशन तीखे होते जाएंगे, वैसे वैसे शक्तिशाली संतान वाइब्रेशन की उत्पन्न होगी. तो राधा कृष्ण सृष्टि का पहला पत्ता है, इसलिए गणेश की पूजा सबसे पहले होती है. समझ में आ गया अच्छी तरह? कैसे बच्चा पैदा होगा? बड़ी चिंता है. शबरी ने झूठे हुए काम को खिलाए. हाँ, वो तो खिलाए. बाबा की बताया अच्छी बात नहीं है. बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, लेकिन उसका भाव तो ऐसा था बाबा कि मीठे पेड़ में राम को खिलाओ, खट्टे न खिलाए. हाँ, तो भाव प्रधान ईश्वर अच्छी रखा है. हाँ, कहाँ हुई बाबा? हाँ, लेकिन शबरी ब्राह्मण थी या शूद्र थी? है शूद्राणी माना विभिचारिणी. शबरी विभिचारिणी स्त्री थी और वो विभिचारिणी स्त्री ने जो बेर खिलाए, फल खिलाए भगवान को, वो झूठे कर करके खिलाए. क्या मतलब हुआ? जो भी फल हैं वो विभिचारी बना करके खिलाए. माना अब व्यभिचारी फल कैसा, झूठा या सच्चा? अब व्यभिचारी सच्चा फल है तो अब व्यभिचारी झूठा कर दिया, और दो चार पक्षियों ने झूठा कर दिया तो बहुत व्यभिचारी.
तो ऐसे ही है, भगवान के ऊपर भी फल फूल अर्पण किए जाते हैं। करते हैं या नहीं करते हैं? हैं? तो जो फूल अर्पण करते हैं या फल अर्पण करते हैं, वो अगर विविचारी के द्वारा अर्पण हुए, लेकिन भाव है कि भगवान को मीठे मीठे खिलाएं, हैं? कड़वाहट पैदा करने वाले अर्पण आत्माएं न करें, तो वो जड़ फलों की बात है या चैतन्य आत्माओं की बात है? चैतन्य आत्माओं की बात है। यदि भोजन बनाते समय यदि चक्कर जूठा करे बाबा, तो हैं? भोजन बनाते समय यदि चक्कर जूठा करते हैं तो ये भी पाप होता है? भोजन बनाया, कटोरी में लिया, अलग ले गए, क्या वो झूठा हो गया? हैं? अलग ले जा करके उसको टेस्ट कर लिया, नमक मिर्च खट्टा मीठा ठीक ठाक है या नहीं है, तो झूठा थोड़े ही कहा जाएगा। कोई कोई बांस लेते बाबू, ऐसे सूंघ के देखते हैं? सूंघ के वो कटोरी में लिया ना भाप, डायरेक्ट कढ़ाई में तो नहीं डाल दी नाक। और हाँ, बाबा कहते हैं जो फाइनल पेपर में पास होते हैं वो सचिव में जाते हैं, और उसने कहा है कि फाइनल पेपर में जो फेल होते हैं वो जाते हैं, तो समझ नहीं आया, क्या नहीं समझ में आया? उसने कहा था कि फाइनल पेपर में जो फेल होते हैं, हाँ, वो फेलता में उतरते हैं, तो जो फाइनल पेपर में फेल होने वाले उतरती कला में जाएंगे, और जो पास होने वाले हैं वो असली सतयुग में जाएंगे। तो फिर बाबा जो शेखर नारायण है वो तो फेल होते हैं ना? हाँ, वो फेल होते तो किसने कहा कि संगमयुगी जो 100% सतयुग है उसमें आ जाएंगे? उसमें पहले पहले जो नई दुनिया बनेगी संगम युग में, स्वर्णिम संगम युग, उसमें 8 आएंगे या ज्यादा आएंगे? 8 ही आएंगे। फिर दूसरा था कि बाबा जब आते हैं तो 1 सेकंड में जीवन मुक्ति करते हैं। हाँ, तो जब प्रत्यक्ष होने के पहले भी शिव बाबा साथ में रहते हैं, प्रत्यक्ष होने के पहले जब टीचर पढ़ाई पढ़ाता है तो उस टाइम पे आठ रहते हैं, लेकिन क्योंकि उस समय उनकी जन्म की होती है। बैल पर हर समय सवारी होती है क्या? और 108 आत्माएं नहीं है जिनमें प्रवेश करके बाप दादा को सर्विस करनी है? है या नहीं? तो अंतर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? है? हाँ, तो फिर बाबा जो प्रत्यक्षता होती है उस समय ना ऐसा क्या पाठ चलता है कि जिसकी वजह से उसी समय 1 सेकंड में जीवन मुक्ति होती है? 108 में प्रवेशता हो और 1 में प्रवेशता शुरुआत हो तो ज्यादा पावर किस में होगी? 1 में होगी, बाद में औरों का नंबर लगता है। उस समय तो पहले तो 8 ही प्रत्यक्ष होते हैं, हैं? पहले तो वो भी 8 भी एक साथ नहीं, उनमें भी सेकंड सेकंड का अंतर होगा या नहीं होगा? हैं? अगर नहीं होगा तो 8 नंबर कैसे बनेंगे? अष्टदेव नंबर वार हैं या एक ही दिशा में 8 बैठे नंबर वार? जब जगन्नाथ में चावल का हंडा जब चढ़ाते हैं तो जब चावल पूरे पक जाते हैं तो उस तरह पक जाते हैं तो चारों भाग में डिवाइड होते हैं। बेसिक में चावल पके गए या नहीं पके? पके तो कितने भाग हो गए, कितने निकले पहले पहले? है, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न 4 ही निकले ना, 4 भाग हो गए। और शास्त्रों में भी लिखा है ब्रह्मा की मानसी सृष्टि से पहले कौन 4 पैदा हुए? सनक सनातन सनंदन सनत कुमार, वो भी 4 धर्मों के 4 बीज हैं।
दिशाएं भी चारों अलग अलग हैं कि एक ही दिशा में है चारों अलग अलग हैं? और बाबा हाँ, ये सभी भाइयों के सहमति से ये गीता के श्लोक मिनी मधुन में स्टार्ट होना चाहिए, ऐसा उनका सलूशन है। मिनी मधुन में गीता के श्लोक? हाँ, अभी तक बाकी मिनी मधुन में शुरू हो गए, यहाँ पर नहीं शुरू हुए। मना मिनी मधुवन में शुरू होंगे तब ही आप स्टडी करेंगे। नहीं, संगठन में होना चाहिए, ऐसा उनका कहना है। संगठन में वो श्लोक पढ़े जाएंगे, उनका अर्थ किया जाएगा, तभी आप मनन चिंतन मंथन करेंगे, वैसे नहीं करेंगे। तो कर रहे सभी। अरे स्वाध्याय तो सबका अपना अपना, जब जब टाइम मिले तो अपने घर में बैठ करके स्वाध्याय करना चाहिए, क्योंकि मुरली में बोला है कि जो गीता के श्लोक आदि में बताए जाते थे, एकदम आदि में गीता पढ़ करके उसके अर्थ बताते थे, तो जो आदि में वो ही अंत में होगा। अंत में जो बोला है, तुम बच्चों का पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा तो कौन समझाएगा? है तुम्हारे बाबा के ऊपर तो घर वालों को विश्वास नहीं है, उनकी मुरली वाणी पर भी विश्वास नहीं है, लेकिन घर वाले जो ज्ञान में नहीं चलते हैं उनको किस पर विश्वास है? हैं? भगवत गीता के ऊपर तो विश्वास है ना? तो भगवत गीता की आप अच्छी तरह से स्टडी कर लेंगे, एक एक श्लोक का अर्थ है बाबा के महावाक्य से टैली करके रख देंगे तो घर वाले मानेंगे या नहीं मानेंगे? हैं? आप अच्छी तरह से एक एक मुरली का अर्थ समझ लें ज्ञान के अनुसार, और पहले बाबा का महावाक्य सुने, उसकी तारीख दे दें कि इस तारीख पर ब्रह्मा बाबा ने ये वक्त बोला, और बाद में श्लोक रख दे उसका अर्थ क्लियर कर दे, तो मानना पड़ेगा कि नहीं मानना पड़ेगा? बाहर की दुनिया वाले भले न माने हठपूर्वक, लेकिन तुम्हारे घर वालों को तो तुमसे प्यार है ना, तो मानेंगे या नहीं मानेंगे? मानेंगे। बाबा कहना है बाबा कि यहाँ संगठन में आएंगे तो अटेंशन रहेगा, यानी पढ़ करके आएंगे सभी लोग, तो यहाँ माना निराधार पुरुषार्थ नहीं करना है। और जब कह दिया मिनी मधुवन वालों को, मधुवन वालों को मधुवन छोड़ना पड़ेगा, गीता पाठशाला वालों को गीता पाठशाला छोड़नी पड़ेगी, ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़ेगा, अर्थात जिनकी एडवांस ज्ञान में श्रद्धा है, एडवांस ज्ञान के पॉइंट्स में रोज स्नान करते हैं, उस ज्ञान के ऊपर से उनकी श्रद्धा क्या होगी? हट जाएगी, ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़ेगा। तब क्या करेंगे? मर जाएंगे सीधे सीधे। आधार के आधार पर, कोई आधार लाकर लेकर के पुरुषार्थ करना, ये रेत पर जैसे बालू के रेत पर महल खड़ा किया जाता है ढेर पर, ऐसे ही पुरुषार्थ है। इसलिए बाबा की मुरली संगठन में बैठ करके सुनना अलग बात, लेकिन और जो स्वाध्याय है, मनन चिंतन मंथन है, वो अपना पर्सनल होना चाहिए, ये एक दूसरे से पूछ पूछ करके होना चाहिए। बाबा मैं, मेरे माइंड में नहीं रहता, मैं ये श्लोक बताती नहीं है, मैं श्लोक पाठ नहीं करती। आप ढाल हैं कि तलवार हैं? क्या है? ढाल है। तो ढाल को जो उसको काम दिया गया है
तलवारों की सुरक्षा करना। क्या जो भी कम उम्र की माताएं हैं, पहले मैं पढ़ लेती बाबा, लेकिन ऐसे बताओ बोलने से माइंड में नहीं रहता। बता दिया ना, ढाल है, ढाल तो मोटी होती है, मोटी चमड़ी वाली तो नहीं रहता है, तो कोई गजब की बात थोड़ी हो गई। न रहे तो न रहे, कोई मार्क कटेंगे बाबा है? कोई मार्क कटेंगे, मार्क्स कटेगी तो? क्यों, बाबा ने माताओं की गुलानी की है या महिमा की है? नहीं, मार्क मार्क कटेंगे पुरुषार्थ के। अरे महिमा करने, जिसकी महिमा भगवान ने की है उसके मार्क्स कटेंगे कि मार्क्स बढ़ेंगे? लेकिन बढ़ेंगे तब जब आप तलवार रूपी कन्याओं की सुरक्षा करेंगे। ये ढाल का मुख्य कर्तव्य है। अगर ये कर्तव्य करेंगे तो माताओं की महिमा जरूर होगी। महिमा भगवान करे और उसका नुकसान हो जाए, नहीं हो सकता। हाँ, एक बार तलब ने बोला है कि राम आदि में फेल हुआ तो अंत में भी फेल होगा। ये और अंत में फेल होने के कुछ समय पहले फाइनल पेपर होगा जिसमें वो पास हो सके। ये सर, कुछ समय पास होगा, ये बात कहाँ से निकाली? पाठक साहब ने बोला बाबा 14 से 3 में कि फाइनल पेपर में पास होगा। हाँ, तो वो समय कब होगा बाबा? 2018 का। जब दुनिया का विनाश होगा, सारी दुनिया का विनाश होगा या नहीं होगा? हैं? तो सारी दुनिया का जब विनाश होगा तो जो सूर्यवंशी मणके हैं वो सभी धर्मों के बीज हैं या एक धर्म के बीज हैं? हैं? सभी धर्मों के बीज हैं। तो जब सभी धर्मों के बीज हैं तो वो अपने अपने झाड़ को देखेंगे या नहीं देखेंगे? हैं? देखेंगे। जब 8 हैं, जो आदि से लेकर अंतिम जन्म तक जो शिव बाबा सदा कायम है, उसे शिव बाबा के सहयोगी बन करके रहते हैं, वो भी लास्ट जन्म में दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, होंगे या नहीं होंगे? माया उनको भी मारेगी या नहीं मारेगी? हैं? माया किसी को छोड़ती नहीं, तो लास्ट जन्म में उनको भी गिराई देगी, तो बाकी 4.5 लाख बच जाएंगे। बचेंगे? हैं? नहीं बचेंगे, वो भी गिरेंगे। कोई किस धर्म के झाड़, कोई किस धर्म के झाड़, कोई किस धर्म के झाड़ में गिरेंगे जाके, तो वो सारी दुनिया को कवर करने वाले हो गए कि नहीं? लेकिन एक बात, बाप की बात नहीं बाबा, प्रजापिता की, राम बाप की, उसके लिए फाइनल पेपर होगा। अरे सबका फाइनल पेपर एक सी साथ ही होगा या अलग अलग होगा? अलग अलग होगा। आपका आज होगा, इनका कल होगा, उनका परसों होगा। हाँ जगदम्बा को काम देने क्यों कहा जाता है? सबकी कामनाएं पूरी करती है। तुम जगदम्बा के पास जो भी कामना लेकर के जाएंगे जगदम्बा पूरी करेगी। अब वो कामना तुम्हारी इस्लाम धर्म की हो, क्रिश्चियन धर्म से कनेक्टेड हो, बौद्ध धर्म से कनेक्टेड हो, संन्यास धर्म से कनेक्टेड हो, मुस्लिम धर्म से लोभ से कनेक्टेड हो, आर्य समाजियों के मोह से कनेक्टेड हो, आपकी सभी मनोकामनाएं जो जगत अम्बा है, जगत माने सब धर्मों की अम्बा या एक धर्म की अम्बा? सब धर्मों की अम्बा है। वो अम्मा तो तुम्हारी पालना करेगी ना, बच्चा है, बेसमझ है, इसकी पूर्ति करना है कि नहीं करना है माँ को? अरे करेगी, लक्ष्मी नहीं करेगी? लक्ष्मी क्या करेगी?
लक्ष्मी अपनी तरफ से कोई भी प्राप्ति नहीं कराएगी। क्या वो जो भगवान का दिया हुआ है वो ही देती है। भगवान क्या देता है? ज्ञान धन देता है। तो भगवान की जो दी हुई चीज है उससे बड़ी चीज कोई और हो सकती है? है नहीं हो सकती। हाँ, जो बड़े गुरु बनकर के बैठना चाहते हैं पुत्रवती में है वरदान देते हैं ना बड़े बड़े गुरु लोग, तो सबसे बड़ा गुरु कौन है? ब्रह्मा तो गया। अरे ब्रह्मा ने तो शरीर छोड़ दिया, फिर सबसे बड़ा गुरु अभी कौन? शिवा। अरे देहधारी गुरुओं की बात हो रही है या निराकार की बात हो रही है? हर बात में शिव बाप। ये देहधारी गुरुओं में सबसे बड़ा गुरु कौन? हाँ, ब्रह्मा तो शरीर छोड़ दिया है? अरे फिर कोई सबसे बड़ा गुरु देहधारी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? कौन? प्रजापिता, जिसमें शिव बाबा है। अरे ब्रह्मा भी किस में प्रवेश करता है? जगदम्बा में। तो वो देहधारी गुरु जो हैं अपने अपने वरदान देते हैं। शिव बाबा का वरदान कोई नहीं देता है। शिव बाबा का जो वरदान देता है वो लक्ष्मी के द्वारा मिलता है। ओम शांति, ओम शांति।